हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। मतलब अगर पिछले ईयर में या उससे पिछले ईयर में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं तो उनको किस तरह से एडजस्ट करें पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, या फिर अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड में ही चेंज कर दिया है विद पास्ट इफेक्ट, तो उस इफेक्ट के लिए क्या एडजस्टमेंट एंट्री करें। जैसे मान लो आपने जब लास्ट ईयर के अकाउंट्स बनाए तो आप उसमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, उसके बिना ही प्रॉफिट बांट दिया, या आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत ले ली। सो इसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं विद वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। या फिर आप अब तक तो प्रॉफिट इक्वल बांट रहे थे, लेकिन अब आपको लगता है कि जो पार्टनर ज्यादा एफर्ट लगा रहा है उसको ज्यादा शेयर मिले, सो आप अपनी रेशो में चेंज करना चाहते हो। अब ये रेशो का चेंज आपको पिछले कुछ ईयर से करना है, तो बात तो वही है ना कि जो पिछली रिकॉर्डिंग्स हुई हैं अब वो गलत हो गई हैं, अब हमें उनको करेक्ट करना है। सो उसका प्रोसीजर होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। सो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि करना क्या है, मतलब मिस्टेक क्या हुई है और उसके लिए करेक्ट प्रोसीजर क्या है। फिर आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हो, ये सारा हमने पिछली क्लास में समझा था, जिसमें हर पार्टनर का एक कॉलम होता है, एक डिटेल के लिए कॉलम है और एक फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मिस्टेक तो प्रॉफिट बांटने में हुई है ना। सो जो मिस्टेक हुई है उनको रिवर्स कर दो, अगर उनको गलती से कुछ दे दिया है तो वापस ले लो, और अगर उनसे कुछ ले लिया है, जैसे आपने मान लो उनपे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर दिया बट एक्चुअल में उनको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपकी पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं, सो वो आपने उनसे लिया हुआ है, वो उनको वापस करना पड़ेगा। तो जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रिवर्स करना पड़ेगा। मिस्टेक्स को रिवर्स करने के बाद जो सही चीजें आपने करनी थी आप अब उनको रिकॉर्ड करोगे। मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया वो लिख दो, सैलरी नहीं दी वो लिख दो। सो जो करेक्ट चीजें हैं वो आपको डाल देनी है और जो मिस्टेक्स हैं उनको रिवर्स करना है। फाइनली आप फर्म का बैलेंस करते हो कि फर्म के पास नेट में प्रॉफिट और लॉस क्या बचा और वो पार्टनर्स को बांट देते हो, और पार्टनर्स की एडजस्टमेंट सॉर्ट करते हो टोटल करके, उनका टोटल सॉल्व किया उसके बाद देख लिया कि फाइनली इस पार्टनर को देना है या उससे कुछ लेना है। लाइकवाइज फॉर बी सी, और फिर जो भी एडजस्टमेंट आती है उसकी एक एंट्री पास कर देते हो। ये हमने प्रोसीजर समझा था विद सब एग्जांपल्स। अब आज हम इसका शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं। शॉर्टकट क्या है कि इज इट पॉसिबल कि हम प्रॉफिट के बिना भी एडजस्टमेंट टेबल बना सकें और एडजस्टमेंट कर सकें। मान लो आपको ये तो बता दिया कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, या सैलरी नहीं दी, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से चार्ज कर लिया, लेकिन आपको प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया। यहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को करेक्ट करके बांट रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट का फिगर ही नहीं दिया तो इज इट पॉसिबल कि हम एडजस्टमेंट एंट्री कर सके। सो इसके केस में क्या होता है कि बिना प्रॉफिट के भी हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट में प्रॉब्लम क्या है, आपने प्रॉफिट का अमाउंट गलत बांटा है। ठीक है, आपकी रेशो अगर सही है तो आप बिना प्रॉफिट के फिगर के भी एंट्री कर सकते हो। अब सपोज आपको दे रखा है, सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने लास्ट केस में समझा था। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, मतलब इस ईयर में, इसके कमिंग ईयर में, तो ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। प्रॉफिट ऑफ 50,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए बिना प्रॉफिट को बांट दिया। ठीक है, सो अब आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। अब इसमें अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है 50,000, तो आपने मिस्टेक क्या नोट की कि हमने प्रॉफिट गलत बांटा है, प्रॉफिट को वापस लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके फिर बाकी का प्रॉफिट बांटा। टेक्निकली देखा जाए तो मिस्टेक कहां पर हुई है, प्रॉफिट यहां भी इक्वली बंटा है, प्रॉफिट यहां भी इक्वली बंटा है। जब आपने मिस्टेक को करेक्ट किया, आपने प्रॉफिट वापस लिया, फिर वापस उसको बैलेंस प्रॉफिट बांटा, तो प्रॉफिट बांटने में गलती नहीं हुई है, प्रॉफिट इक्वली बंटा है, अमाउंट गलत हो गया है, क्योंकि पहले पूरा प्रॉफिट बांट दिया था, अब आपको प्रॉफिट जो बच गया वो बांटना था। तो जो मिस्टेक हुई है प्रॉफिट बांटने में वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, पार्टनर को नहीं दिया। सो अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही मिस्टेक जो आपकी है उसी को करेक्ट करना है। सो ये होता है इसका शॉर्टकट मेथड। तो हम क्या करेंगे, हम यही एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, लेकिन अब बनाएंगे बिना प्रॉफिट के। डिटेल्स,
आपके पास दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए पार्टनर बी, और फर्म का मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। सो ये मेरे कॉलम थोड़े से बैलेंस आउट नहीं है, क्योंकि ये मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन कर रही हूं कि बिना प्रॉफिट के भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बस इसकी एक ही कंडीशन है कि रेशो सही फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने रेशो भी गलत फॉलो कर दी तो इसका मतलब प्रॉफिट का बंटवारा भी गलत हो गया, तो फिर वो आपको प्रॉफिट को बांटना ही पड़ेगा। सो अगर आपने सेम रेशो फॉलो की है तो सिर्फ मिस्टेक्स को ठीक करो, ठीक है, प्रॉफिट को छोड़ दो, प्रॉफिट तो सही बंट है, रेशो सही बटी है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन में गलतियां हुई हैं, तो जो कैलकुलेशन की गलतियां थी उनको ठीक करने। सो आपने एक ही मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो आपने नहीं दिया। सो अब आप 10% के बेसिस पे ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 10,000, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 8,000, तो फर्म को देना पड़ा 18,000। ये चीज आपने गलत की थी, आपने दी नहीं थी, अब आप दे रहे हो। सो अब आप बैलेंस आउट करो फर्म के लिए। सो फर्म का टोटल हो गया 18,000, यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब फर्म को लॉस हो गया। अगर फर्म ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देती है तो अब फर्म लॉस की पोजीशन में आ गई है। सो अब आप क्या करोगे, लॉस ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, अब इस लॉस को पार्टनर्स को बांट दो। सो इनकी रेशो है 1:1, क्योंकि इक्वल पार्टनर है, तो 9,000 बांट दिया। सो पहले फर्म को बैलेंस आउट करते हैं, फिर पार्टनर्स की एडजस्टमेंट लेते हैं। सो अब ए की पोजीशन क्या है, उसके टोटल बन रहे हैं 9,000 एंड 10,000, मतलब उसको देना है 10,000, उससे लेना है 1,000। सो एडजस्टमेंट क्या हुई, फाइनली हमें ए को देना पड़ेगा 1,000 मोर। बी की पोजीशन क्या है, उसको आपको देना है 8,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट उससे वापस लेना है 9,000 जो लॉस हो गया ये बांटने की वजह से। सो उसको आपको 1,000 रुपीज उससे निकालने पड़ेंगे। सो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 1,000 बी से लेके ए को दे दो। सो आपको करेक्शन जो है उसको करने के लिए प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है जब हम प्रॉफिट के बिना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट सही रेशो में बंटा हो, क्योंकि अगर प्रॉफिट की रेशो ही गलत हो गई तो हमें फिर पूरा प्रॉफिट वापस बांटना ही पड़ेगा। सो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो बिना प्रॉफिट के, प्रोवाइडेड रेशो ठीक हो। सो ये तो हमने एक एग्जाम्पल समझा, अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो हमने सिंपल एंट्री के थ्रू करेंगे। ओके, सो राम मोहन श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। ओके, रेशियो दे रखी है ऑन 31 मार्च 2020। यूजुअली जब 31 मार्च दे रखी होती है तो इसका मतलब होता है कि ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। देयर कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इनके फिक्स्ड कैपिटल्स हैं 3 लाख 1 लाख 2 लाख। अब फिक्स्ड कैपिटल में याद रखो, इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल की ड्राइंग्स को एडजस्ट करना है, बाकी कुछ एडजस्ट नहीं करना। सो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े इजी हो जाते हैं। ओके, 31 मार्च 2020 के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 9% इन प्लेस ऑफ 10% एज प्रोवाइडेड इन द डीड। मतलब आपने जो प्रॉफिट है वो 9% सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% क्रेडिट कर दिया, किसकी जगह, 10% की जगह। सो आपको 10 करना था बट आपने 9 कर दिया। सो मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है, आपने 9 दिया है तो 9 वापस लेना पड़ेगा और 10 आपको देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज दिस, ड्रॉइंग्स ऑफ द पीरियड आर दिस। सो गलती सिर्फ एक ही हुई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल पर जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसका रेट गलत ले लिया। सो अब आप एक स्पेस छोड़ दो एडजस्टमेंट एंट्री की, ठीक है ना, और आप एक एडजस्टमेंट टेबल बना सकते हो। सो वील मेक दिस टेबल ट्वाइस, इसको दो बार करेंगे ये समझने के लिए कि हम इसे बिना प्रॉफिट के भी कर सकते हैं कि नहीं। ये 3 पार्टनर हो गए, राम सीक्वेंस में ही लेंगे हम, श्याम और मोहन, और यहां आ गई फॉर्म, मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, आइडेंटिफाई कर लो मिस्टेक क्या है जिसको करेक्ट करना है। मिस्टेक सिर्फ एक ही हुई है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
9% दिया है, 10 देना था, ठीक है। सो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैपिटल इन द बिगनिंग चाहिए होती है, हालांकि ये क्लोजिंग कैपिटल है, बट क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है तो इसमें सिर्फ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एडजस्ट होंगी और एडिशनल कैपिटल एडजस्ट होगा। सो वो हमें नहीं दे रखी है। सो कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल सेम रहेगी। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% टेकन बैक, 9% का इंटरेस्ट इनसे वापिस ले लो। सो 9% के बेसिस पे 3 लाख पर 9%, सो ये डेबिट क्रेडिट के कॉलम हो गए, माइनस प्लस, डेबिट क्रेडिट को माइनस प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। सो 9% का इंटरेस्ट अगर राम से वापस लेते हैं 27,000, 9% का इंटरेस्ट श्याम से वापस लो 9,000 और मोहन से वापस लो 18,000, ये इनसे वापस लिया है। तो जब आपने पार्टनर से वापस ले लिया तो फर्म को मिल जाएगा, ठीक है ना, वो दोनों ऑपोजिट एंड पे है ना, एक को देना है, फर्म को देना है, पार्टनर को लेना है। सो अगर फर्म दे रही है तो पार्टनर को मिल रहा है, अब पार्टनर दे रहे हैं तो फर्म को मिल जाएगा 54,000 का टोटल प्रॉफिट। ये मिस्टेक को रिवर्स किया, करेक्शन क्या है, गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और 10% पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो राम को दोगे 30,000, इसे दोगे 10,000 और मोहन को दोगे, उसकी कैपिटल है 2 लाख, तो 20,000, ठीक है। ये फर्म ने दिया तो फर्म के प्रॉफिट्स में से कटेगा, सो फर्म के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगा, 60,000 का डेबिट। सो ये करेक्शन हो गई, अब हमने इसमें प्रॉफिट यूज नहीं किया, रीजन बीइंग कि प्रॉफिट आपका उसको बांटने में गलती नहीं हुई है। जब भी प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट बांटा है उसकी रेशो तो उन्होंने नहीं कहा ना कि गलत ली है, प्रॉफिट तो उनका बट गया है, अमाउंट में गलती हुई है, वो भी इसलिए कि इंटरेस्ट की मिस्टेक थी। सो सिर्फ हम मिस्टेक को ठीक करेंगे, प्रॉफिट को भूल जाएंगे। सो अब आप बैलेंस आउट करोगे सबसे पहले फर्म का, सो फर्म को 54,000 का अमाउंट मिला और 60,000 फर्म को देना पड़ा, तो फर्म के पास लॉस आ गया 6,000 का, ये लॉस है क्योंकि मिला 54,000 वापस, देना पड़ेगा 60,000, सो लॉस हो गया। सो अब हम फर्म का बैलेंस बांटेंगे, लॉस ऑफ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन 2:1:2 रेशो, रेशो दे रखी है 2:1:2, इसमें बांट दो। सो 6,000 का 2/5 राम को मिलेगा, क्योंकि ये लॉस है तो लॉस उनसे वापस लेना पड़ता है, सो लॉस पार्टनर की कैपिटल को कम करता है। सो कितना आ जाएगा, 2,400 राम का लॉस है, 1,200 श्याम का लॉस है और 2,400 ही मोहन का लॉस है। सो अब हम बैलेंस आउट करेंगे एडजस्टमेंट के लिए, सो टोटल किए, अब 30,000 राम को देना है बट राम से लेना है 29,600, इसका मतलब नेट में उसको देना है या लेना है, ये बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं है, ये है कि उनको देना है या लेना है, ये दे दो और ये वापस ले लो। तो नेट में तो आप यही कहोगे ना कि तुम 400 ले लो। अब श्याम की पोजिशन है, श्याम को देना है 10,000 और श्याम से लेना है 10,200, सो रादर देन कि आप पहले उसको 10,000 पकड़ाओ फिर उससे 10,200 वापस लो, आप नेट में क्या कहोगे, तुम 200 दे दो, बात खत्म। अब आती है मोहन की बारी, ओके सो यहां पे पोजीशन है, उससे वापस लेना है 20,400 और उसको देना है 20,000, ये क्रेडिट डेबिट याद रखने होते हैं, है ना। सो उसको फाइनली कह दोगे तुम 400 मुझे दे दो, सो नेट रिजल्ट क्या हुआ आपके पास, दिस इज 400, ये 600 है, ठीक है, ये 400 है, यहां पे टोटल में मिस्टेक थी मेरे से। सो नेट रिजल्ट क्या रहा, श्याम और मोहन 600 देंगे और राम को मिल जाएगा 600, ये बैलेंस होना भी चाहिए क्योंकि फर्म अलग से कहीं से कुछ और लाके नहीं देगी, तो कोई एक पार्टनर दे रहा है दूसरा ले रहा है, तो ये बैलेंस अगर मेरा नहीं मिल रहा है इसका मतलब मैंने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। सो ये आप यहीं पे समझ सकते हो, क्योंकि मेरे से भी मिस्टेक हो गई तो आप समझ सकते हो कि यहां अगर बैलेंसेस नहीं मिल रहे हैं, एडजस्टमेंट मैच नहीं कर रही है, तो ये कैलकुलेशन की ही एरर है, मुझे कैलकुलेशन ही चेक करनी है। सो जिस पार्टनर से चीजें वापस लेनी होती हैं उनको डेबिट करते हैं, सो श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहां पर कैपिटल लिखेंगे या करेंट अकाउंट लिखेंगे,
जब भी पार्टनर को कुछ देते हैं तो हमें याद रखना है कि वो या तो कैपिटल में जाता है या करंट में जाता है। सो कैसे डिसाइड होते हैं? ये डिसाइड होते हैं फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से। सो अगर क्वेश्चन कह रहा है फिक्स्ड कैपिटल है तो फिर करंट अकाउंट के एडजस्टमेंट्स आती हैं। सो राम को मिल जाएगा करंट अकाउंट में 600। सो बीइंग द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर करेक्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। अब यही, सो वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसकी एंट्री थी अनिल्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल 550 550। ये लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, जिसमें हमने पूरा प्रॉफिट भी बांटा था। अब सेम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉफिट के बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बुक में जब क्वेश्चंस देखोगे उसमें कई बार प्रॉफिट का फिगर ही नहीं दे रखा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप पिछले वीडियो के बेसिस पे काम कर रहे हो कि प्रॉफिट ही नहीं है तो हम ठीक कैसे करें, आप कर सकते हो उसके बिना। दी ओनली कंडीशन इज कि आपका प्रॉफिट का रेशियो सही रहा हो, क्योंकि प्रॉफिट के अमाउंट में गलती हुई है, बांटने में गलती नहीं हुई है। आपने हो सकता है 50,000 प्रॉफिट को बांट दिया, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो 40,000 प्रॉफिट बढ़ता। तो आपने अमाउंट में गलती की है, रेशो तो सही रही है ना, तो इसलिए प्रॉफिट को बार बार ठीक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गलतियों को करेक्ट कर लेंगे। सो मैं पिछली एंट्री साथ में लेके चल रही हूं, अब हम इसको करेंगे विदाउट यूजिंग प्रॉफिट। सो अब एक बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आप रिवाइज कर लो, ये लास्ट वीडियो में आप इसको फॉलो कर सकते हो। मोहन विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल बैलेंसेज आर ऑन दिस डेट 30,000, 25,000 एंड 20,000 आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब इसमें अगर आपने प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स 5,000, 4,000, 3,000 एडजस्ट किए हैं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि ये कैपिटल्स किस तरह की हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें सब एडजस्ट हो चुका होता है, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से शुरू करते हैं, तो यहां हमें ओपनिंग कैपिटल भी सॉल्व करनी पड़ेगी। Subsequently, it was found that following omissions are there. दो गलतियां हुई हैं। Interest on capital भूल गए, omission का मतलब होता है भूल गए। अब भूल गए interest on capital 10% per annum, अब भूल गए interest on drawing। ठीक है, ये दो चीजें आप भूल गए हो। तो so अब जो आप adjustment table बनाओगे, इसमें आपको सिर्फ यही दो चीजें correct करनी है कि interest on capital इन्हें देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनसे लेना है। तो तीन पार्टनर और एक कॉलम डिटेल का, मोहन, विजय, अनिल, फॉर्म मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो अब आप यहां देखोगे कि अगर हम बिना प्रॉफिट के भी रिकॉर्डिंग करते हैं कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, सेम आंसर आएगा। तो आप अपना काम थोड़ा सा आसान कर लेते हो अगर आप बिना प्रॉफिट के कैलकुलेशन करके दिखाते हो। ठीक है ना, अब डेबिट क्रेडिट याद रखो, पार्टनर्स के केस में क्या होता है, पार्टनर को कुछ देंगे तो क्रेडिट, उनसे कुछ लेंगे तो डेबिट, क्योंकि ये लाइबिलिटीज और कैपिटल्स का ये रूल है। फर्म के पास क्रेडिट मतलब फर्म को प्रॉफिट मिला, और डेबिट मतलब फर्म ने कुछ दिया। पार्टनर्स के डेबिट फर्म का क्रेडिट, पार्टनर्स के क्रेडिट फर्म का डेबिट, ये बेसिक रूल है। अब डिटेल्स में क्या नोट करोगे, सबसे पहले आपको उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। अब क्या आप इस पे 10% लगा सकते हो, क्योंकि ये तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट है ना, लेकिन आपकी ये कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल। सो आपको इससे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। सो मोहन, विजय, अनिल, अब आप स्टार्ट करोगे क्लोजिंग कैपिटल ऑन 31st March 2020 30,000, 25,000, 20,000। ठीक है, ये कैपिटल्स हैं, बट इसमें प्रॉफिट और उनकी ड्राइंग्स एडजस्ट हो चुकी हैं। तो अब आपको ओपनिंग कैपिटल पे आना है। ये देखो, ये अगर टाइमलाइन ले, ये ईयर है आपका, अकाउंटिंग ईयर है, ये बिगनिंग है, ये एंड है। बिगनिंग वाले अमाउंट में जब आप प्रॉफिट जोड़ते हो और ड्रॉइंग माइनस करते हो तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। तो आप प्रॉफिट ऐड करते हो, ड्रॉइंग माइनस करते हो, लेकिन अब आपके पास ये है और आपको वापस मुड़ना है। तो जब हम वापस मुड़ते हैं तो हमें अपने कदम पीछे करने होते हैं, रिवर्स करने होते हैं। मुड़ना मतलब रिवर्स कर दो,
अब क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो ड्रॉइंग को ऐड कर दो, प्रॉफिट को माइनस कर दो, इक्वेशन को ठीक करो। ठीक है, सो अब क्या करोगे, इसमें से आप ड्रॉइंग को ऐड करो। सो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स है 5,000, 4,000, 3,000 और माइनस कर दो उनका शेयर इन प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट बांटा था इनको आपने, 24,000। सो 24,000 प्रॉफिट अगर आपने इनको बांटा था, रेशो का कहीं जिक्र नहीं है, दैट मीन्स रेशो इज इक्वल। सो 8,000, 8,000 एंड 8,000। सो कैपिटल्स आ गई 27,000 कैपिटल इन द बिगनिंग, 21,000 एंड 15,000। सो अब आप करेक्शन करने के लिए तैयार हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 10% पर एनम, सो इसका 10% 10% और 10% ये पार्टनर्स को देना है। सो 2700, 2100 और 1500 कौन दे रहा है इनको, ये इनको दे रही है फर्म। ठीक है, तो 6300 फर्म ने दे दिया, फर्म को नुकसान हो गया, देना तो पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आप भूल गए थे। सो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको चार्ज करना पड़ेगा, अमाउंट दे रखा है। अब पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेते हैं तो 250 पार्टनर से लेना है, 200 विजय से लेना है, 150 अनिल से लेना है। जब इनसे लोगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी और किसको मिल जाएगी, फर्म को मिलेगा पैसा। सो ये 600 फर्म को मिल गया। अब आपका प्रोसीजर वही है, टोटल करो और प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो। सो फर्म की पोजीशन क्या है, फर्म को देना पड़ा 6300 और फर्म को मिला 600। सो 5700 का फर्म को लॉस हो गया। ये क्रेडिट में लिखने से मत समझो प्रॉफिट है, फर्म के हिसाब से सोचो, हर चीज हमें अपना सोच के लिखनी होती है। मेरा शुरू से ये कहना है कि अगर हम समझ के चीजें करेंगे तो हमें हमेशा याद रहेंगी। अगर आप ब्लाइंडली रूल फॉलो कर लो, डेबिट में लॉस होता है, क्रेडिट में प्रॉफिट होता है, तो कोई भी मिस्टेक कर देगा कि ये तो क्रेडिट में आ रहा है, ये तो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है कि फर्म को 6300 देना पड़ा और फर्म को 600 मिला। सो नेट रिजल्ट में फर्म के पास लॉस की पोजीशन है, आप ज्यादा दे रहे हो कम मिल रहा है, लॉस हो गया। सो अब आप क्या करोगे, लॉस ऑफ 5700 डिस्ट्रीब्यूटेड। ये चीज पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं, बस हमने क्या किया, हम प्रॉफिट के पॉइंट को छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट बांटने में गलती नहीं हुई है, सिर्फ अमाउंट गलत था। सो अब ये रेशो अगेन 1:1 में बांट दो तीनों को, तो ये लॉस अगर बट रहा है तो लॉस कहां जाएगा, डेबिट में। अब आप चेक करो, टोटल करो और एडजस्टमेंट चेक करो, तो देखो सेम आएगी। सो मोहन को देना है 2700, वापस लेना है 2150, तो नेट में आप कह दो कि चलो तुम 550 ले लो, बात खत्म। अब इसको 2100 ही देना है, 2100 ही लेना है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको तो इन टोटल सही रहा उसका अमाउंट, उसको फर्क ही नहीं पड़ा गलती से। अब यहां पर 2050 है और ये 1500 है, तो अनिल को देना है 1500 क्रेडिट, देना है 1500, लेना है 2050, तो उसको फाइनल क्या रहा उसका, अब उसको देना पड़ेगा 550। ठीक है, सो फाइनल पोजीशन क्या हुई, मोहन को मिलेगा और अनिल देगा। ये चेकिंग होती है फर्म में, विद इन पार्टनर देना लेना बराबर होना चाहिए, क्योंकि फर्म अपने आप बाहर से कुछ नहीं लेके आ रही है, कोई पार्टनर दे रहा है कोई ले रहा है। सो नेट रिजल्ट में एडजस्टमेंट मैच करती है। सो हमारी एंट्री क्या होगी, डेबिट करना पड़ेगा अनिल को और क्रेडिट करना पड़ेगा मोहन को। सो जब हमने पूरे प्रॉफिट के साथ एंट्री की थी तो भी हमारी यही एंट्री थी, अनिल टू मोहन। सो ये आप समझ सकते हो कि जब भी हमारे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, हम उसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। प्रॉफिट को भूल जाओ, नहीं दे रखा तो डेफिनेटली ऐसे ही करना पड़ेगा, दे रखा है प्रॉफिट तब भी आप ऐसे कर सकते हो, इससे टाइम सेव होता है एग्जाम्स में। बस इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन इज कि आपके प्रॉफिट की रेशो सही होनी चाहिए। अब अगर यहां पे ये कह देते कि इन्होंने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया है बट इनकी रेशो 3:2:1 है, फिर तो प्रॉफिट बांटने में भी गलती हो गई है ना। आपने सिर्फ ये नहीं किया कि आपने प्रॉफिट का अमाउंट गलत बांटा है, कि प्रॉफिट आपका 24 था, आपने इन एडजस्टमेंट के बिना बांटा, अमाउंट नहीं, आपने तो रेट भी गलत ले लिया, रेशो भी गलत ले ली है।
तो फिर तो प्रॉफिट बांटने की भी गलती हो चुकी है, तो उस केस में प्रॉफिट को लिखना पड़ेगा। बट अगर रेशो सही है तो हम बिना प्रॉफिट के भी एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप दिस शॉर्टकट इज क्लियर टू यू। तो अब आप अपने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें रेशो सही रही हो या जिसमें प्रॉफिट फिगर नहीं दे रहा था। अगर रेशो सही रही है तो आप अपने दोनों मेथड से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो और दोनों मेथड से आपका आंसर सही रहेगा, सेम आंसर आएगा तो इट शुड बी करेक्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम अब हम क्या समझेंगे, सेकेंड टाइप ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज। जो मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज हमारी दो रीजन से होती है। नंबर वन रीजन है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है। दूसरा रीजन क्या है कि आपने मिस्टेक नहीं की है बट अब वो चीज गलत हो गई है। आप लास्ट 3 साल से या 5 साल से प्रॉफिट इक्वली बांट रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे थे। अब बाय टाइम क्या हुआ कि पार्टनर्स, जैसे जैसे पैसे की जरूरत पड़ी, पार्टनर्स ने फॉर्म में पैसा डाला, किसी को जरूरत थी उसने निकाला, तो अब ऐसा लग रहा है कि पार्टनर्स की कैपिटल्स बहुत डिफरेंट है। सो जिसने ज्यादा पैसा बिजनेस में दिया है वो ये कहेगा ना कि मैं तो ज्यादा पैसा दे रहा हूं, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो आप अब तक इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे लेकिन अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो भी अगर वो पास्ट इफेक्ट से ला रहा है तो इसका मतलब पिछले अकाउंट सब गलत हो गए, उनको ठीक कर दो। सो अब हम समझेंगे आपका एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ चेंज इन द पार्टनरशिप डीड। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब आप अपने किसी मैनेजर को, किसी एम्प्लॉई को एज अ पार्टनर ले लेते हो, तो ये एक स्पेसिफिक केस है, वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम।